नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप देख रहे हैं प्रभात वार्ता। भुवनेश्वर में शुक्रवार को पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल हुई हैं। वहीं कांग्रेस के एमपी अधीर रंजन चौधरी ने सीएम ममता बनर्जी से इस बैठक का बहिष्कार करने का आग्रह किया था। दिल्ली में हुई हिंसा के बाद कांग्रेस के नेता ने कहा था कि अगर ममता बनर्जी धर्म निरपेक्ष हैं तो उन्हें अमित शाह से नहीं मिलना चाहिए। हालांकि फिर भी ममता बनर्जी दो दिन पहले से ही भुवनेश्वर पहुंची हुई हैं, जहां गृह मंत्री अमित शाह से उनकी एनपीआर को लेकर भी बातचीत होनी है। दिल्ली दंगा के रुकवार चेष्टा करतो, एत मानुषेर मृत्यु होतो ना, एत मानुषेर पलायन होतो ना, তাই বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আমাদের দাবি, আপনি যদি ধর্মনিরপেক্ষ শক্তির প্রতীক হন, আপনি যদি প্রকৃতই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বিরোধিতা মন থেকে করবার মানসিকতায় উদ্বুদ্ধ হন, তাহলে অমিত শাহের সঙ্গে। आपको बता दें कि भुवनेश्वर में गृह मंत्रालय की ओर से पूर्वांचल सिक्योरिटी काउंसिल की 24वीं बैठक हो रही है। इसमें शामिल होने के लिए बाकी राज्यों के साथ साथ ममता बनर्जी को भी आमंत्रित किया गया था। ममता बनर्जी दो दिन पहले ही रवाना हो गई थी। वहीं माकपा के पूर्व सांसद मोहम्मद सलीम ने पहले ही ममता बनर्जी की मंशा पर सवाल खड़ा किया है और कहा है कि दीदी शाह से सेटिंग करने के लिए उड़ीसा गई है। उन्होंने मांग की थी कि दिल्ली में गृह मंत्रालय की विफलता का विरोध करने के लिए ममता बनर्जी को अपनी बैठक रद्द कर देना चाहिए। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया था कि हाल के दिनों में ममता और भाजपा के बीच साठ गांठ है, जिसकी वजह से सारदा, नारदा और अन्य चिटफंड मामलों में तृणमूल नेताओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। वहीं फिर से तृणमूल के नेताओं का स्टिंग वीडियो भी बड़ा संशय खड़ा करता है। आपको बता दें कि इस बैठक में ममता बनर्जी के अलावा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक भी शामिल हुए हैं। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक, शेयर के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। साथ ही आप देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे प्रभात वार्ता के साथ बने रहिए। धन्यवाद।